स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने 16 विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बुवारना में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभियान का शुभारंभ किया। 31 अगस्त तक आयोजित होने वाला यह अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एचआईवी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति विभिन्न सुविधाएं और गतिविधियों क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम जनता तक एचआईवी एड्स जांच सुविधा को पहुंचाने के लिए 45 एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्तमान वित्त वर्ष में 10 नए एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी एचआईवी जांच सुविधा प्रदान की जा रही है। एचआईवी एड्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ही नहीं अपितु सामाजिक समस्या के रूप में सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज यहां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन हो रहा है और ये दिवस सिर्फ दिवस मनाने तक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्मरण रहते हुए हम जनमत के द्वारा ही उजागर कर सकें। सरकारें कानून बनाती हैं परंतु कानून भी तभी सफल होते हैं जब जनता और जनमत उसके अनुरूप हो। स्वास्थ्य मंत्री ने एड्स जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में एचआईवी जांच अपंगता प्रमाण पत्र शिविर एचआईवी पर जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई। इसके अतिरिक्त हृदय रोग स्त्री रोग आंख नाक गला हड्डी रोग चर्म रोग बाल रोग मेडिसिन मनोचिकित्सा व शल्य चिकित्सा संबंधी रोगों की चिकित्सकों द्वारा जांच की गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमें 60 लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इस पुनीत कार्य से हम उनके बहुमूल्य जिंदगियां बचा सकते हैं कि लोग विशेषकर युवा रक्तदान के लिए बढ़ चढ़ कर आ गया है। उन्होंने कहा कि शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंद लोगों की जीवन रक्षा के काम आएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में 650 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई तथा 30 विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल के प्रांगण में आंवले का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री की धर्मपत्नी शर्मिला परमार जयसिंहपुर के विधायक रविंद्र दीवान बैजनाथ के विधायक मुल्क राज प्रेमी विधायक नगरोटा अरुण मेहरा भाजपा जिला अध्यक्ष विनय शर्मा प्रधानाचार्य राजकुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जिला स्तरीय जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन 23 अगस्त को नूरपुर के ऐतिहासिक ब्रिजराज स्वामी मंदिर के प्रांगण में किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में नगरपालिका हॉल में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि मेले के सफल आयोजन व उस पर निगरानी रखने के लिए नूरपुर के तहसीलदार डॉक्टर गणेश ठाकुर को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा तथा श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया जाएगा। डॉक्टर ठाकुर ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को मेले के दौरान पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाए रखने तथा जल भंडारण टैंकों में क्लोरीनेशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग को महोत्सव के दौरान नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित बनाए रखने के भी निर्देश दिए। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग तथा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से मेले के दौरान दुकानदारों द्वारा बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं तथा उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता पर पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा प्रशासन द्वारा मेले को पूरी तरह से पॉलिथीन तथा थर्मोकोल फ्री बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से मेले के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन तथा थर्मोकोल के प्रयोग से कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान यातायात तथा कानून व्यवस्था को सामान्य एवं सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान तैनात रहेंगे जो कि मंदिर परिसर तथा मुख्य सड़क मार्ग पर विशेष निगरानी रखेंगे। इसके अतिरिक्त ये जवान मेले के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। उन्होंने चेन स्निचर तथा जेब कतरों के गिरोह पर नजर रखने के पुलिस को भी विशेष निर्देश दिए। ठाकुर ने बताया
कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, मेला कमेटी तथा मंदिर न्यास के सदस्यों से भी मेले के सफल आयोजन के लिए बेहतर तालमेल व सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने दुकानदारों से भी मेले के दौरान बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता तथा सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घटिया खाद्य तेल व सामग्री का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों से अपने अपने स्टॉल के अंदर डस्टबिन रखने तथा कूड़ा चिन्हित स्थानों पर ही फेंकने को कहा। उन्होंने मंदिर कमेटी को मंदिर की वेबसाइट बनाने के अतिरिक्त श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन करवाने व चढ़ावे की व्यवस्था करवाने की दिशा में भी विशेष पग उठाने को कहा। एसडीएम ने बताया कि मेले के दौरान आर्य डिग्री कॉलेज तथा साथ लगती खाली जगह पर वाहनों की पार्किंग की जाएगी। आधुनिकता के दौर में देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र मानवीयता को शर्मसार करने लगा है। लोगों ने इंसानियत की हदें इस कदर पार कर दिए हैं कि अपने बुजुर्गों को बीमार होने पर चिकित्सा परिसर में लावारिस छोड़ने लगे हैं। ऐसे में शिमला जिला के रामपुर स्थित चार जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने वाला महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी लावारिस मरीजों का अड्डा बनता जा रहा है। एक वर्ष के भीतर इस चिकित्सा सेवा परिसर में 10 से अधिक मरीज ऐसे दाखिल हुए हैं जिनका कोई तीमरदार नहीं। लोग मरीजों को या तो परिसर में छोड़ जाते हैं या फिर 108 सेवा के माध्यम से चिकित्सालय भेजा जाता है। इस तरह के अधिकतर मरीज चिकित्सालय में ही दम तोड़ जाते हैं। अब भी खनेरी स्थित चिकित्सालय में 2 मरीज ऐसे हैं जिनका कोई सहारा नहीं। एक मरीज करीब 8 माह से खनेरी चिकित्सालय सेवा परिसर में है। 200 बिस्तर वाले खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर को भी ऐसे मरीजों के कारण सेवाओं में बाधाएं आ रही। चिकित्सा सेवा परिसर के प्रबंधकों का कहना है कि बेदवाएं और उपचार कर सकते हैं लेकिन बिना तीमारदार के रेफर करना हो या मरीज के अन्य सेवा संभव नहीं हो पाता है। हालांकि कुछ जन से भी ऐसे मरीजों की रात दिन सेवा में लगे हैं लेकिन सीमित संसाधनों के भी आगे कुछ नहीं कर पाते। चिकित्सा सेवा परिसर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एन के मेहता का कहना है कि उन्हें यहां का प्रवास संभाले 6 माह हुए हैं। इस दौरान 7-8 मरीज ऐसे आए हैं जिनके साथ तीमारदार नहीं होता है। हम उन मरीजों को दाखिल तो कर लेते हैं, मरीज को दवाएं, उपचार और भोजन का तो भी बंदोबस्त करते हैं लेकिन मरीज को अन्य सेवाएं या फिर रेफर की सूरत में दिक्कत आ रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मरीजों को ऐसे ना छोड़ें, आखिर वे परिवार का ही हिस्सा हैं। पवन कुमार स्वयंसेवी ने बताया कि एक वर्ष के भीतर 10 मरीज लावारिस आए हैं। किसी को 108 एम्बुलेंस में लाया जाता है तो किसी को चिकित्सा सेवा परिसर लोग छोड़ जाते हैं। ऐसे मरीजों को अंदर बाहर यानी टॉयलेट लाने ले जाने वाला नहीं होता। जहाँ तक हो सके तो ऐसे मरीजों की सेवा वे कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस तरह अपने बुजुर्गों को ना छोड़ें। जिस माँ ने दूध पिलाकर बड़ा किया है या जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है उन्हें अब लावारिस छोड़ना शर्म की बात है। ऐसे में मानवीयता की हदें पार ना करें।